नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ के तरौलिया से है, जहां युवा ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। आपको बता दें तो केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे युवा मोर्चा। बता दें तो तरौलिया विधानसभा के हर घर तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा ने बीड़ा उठाया है। विधानसभा के मंडल व शक्ति केंद्र पर युवा ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए युवा भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज नीरज तिवारी के नेतृत्व में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी द्वारा युवाओं को चौपाल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं के लाभ की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पूर्व में रही सरकार की जन विरोधी किसान विरोधी नीतियों को भी सभी के सामने रखा जाएगा। वहीं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष लालगंज नीरज तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। इसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम नीरज तिवारी, मैं भाजपा युवा मोर्चा लालगंज का जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल जी और हम लोगों के एसोसिएट प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के निर्देश पे और हर ग्राम स्तर पर हम लोगों की जो है एक युवा चौपाल लगेगी। इस चौपाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जिला पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष हर सख्त केंद्र के स्तर पर जाएंगे और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताएंगे, ताकि आगामी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार 400 पे पार, तो उस संदेश को लेकर हम लोग युवाओं के साथ जुड़ेंगे। उनको नमो ऐप, सरल ऐप पर सारे फ़ोटो अपलोड करना है और तमाम जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है कि हम लोगों को राम मंदिर मिल गया। आज सरकार में हर युवा को नौकरी मिल रही है, ना तो किसी दबाव के, ना तो किसी के पैरवी से, ना तो किसी के लेटर पैड पर। आज सब जो युवा पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिल रही, रोज़गार मिल रही। इन्हीं सब योजनाओं को लेकर हमारे पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे और लोगों को मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। केंद्र प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को फोकस कर रही है, आपका क्या विचार है? हम यही चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री युवा बनाएंगे और एक जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिए हैं उसको पूरा करेंगे। ये ग्राम चौपाल कब तक चलाई जाएगी? ये ग्राम चौपाल जो है 25 मार्च से 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी। लगभग कितने युवाओं को जोड़ने का संकल्प? लगभग हम लोग 5 लाख का टारगेट है। 5 लाख युवाओं तक हम लोग संपर्क करेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे।